आज करण जौहर के 50th बर्थडे पे बहुत ही इमोशनल पोस्ट की है आलिया भट्ट ने और उन्हें बर्थडे विश किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर और साथ में ब्यूटीफुल कैप्शन भी लिखा है। आलिया ने करण जौहर को अपना फादर और अपना मेंटोर बोलते हुए उन्हें बर्थडे विश किया है और उन्हें बोला है कि उनकी लाइफ में हमेशा ही पीस और खुशियां रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करण जौहर और आलिया भट्ट कितने ज्यादा क्लोज हैं और आलिया भट्ट की नेक्स्ट मूवी रॉकी और राजा की प्रेम कहानी भी करण जौहर ही डायरेक्ट कर रहे हैं और उनकी डेब्यू मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी करण जौहर ने ही डायरेक्ट की थी। तब से इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा क्लोज रहा और आलिया भट्ट उन्हें अपना फादर फिगर मानती हैं। और हाल ही में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई थी तो करण जौहर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे आलिया भट्ट को दुल्हन के रूप में देख के। और अभी उनपे काफी ज्यादा एलिगेशन भी लगे थे नेपोटिज्म के, लेकिन फिर भी उन्होंने आलिया भट्ट का साथ नहीं छोड़ा और अभी तक उसे अपनी मूवी में ले रहे हैं। और आलिया भट्ट ने भी करण जौहर और फैंस को डिसअपॉइंटेड नहीं किया और आज वो बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस हैं और शादी के बाद भी इतनी ज्यादा डेडिकेटेड हैं कि उन्होंने एक भी ब्रेक नहीं लिया। करण जौहर की मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग कंटिन्यूअसली ही कर रही हैं और अपने हनीमून पर भी नहीं जा सकी। और जब भी कोई अवार्ड मिलता है आलिया भट्ट को तो वो जरूर करण जौहर को मेंशन करती हैं और उन्हें थैंक यू बोलती हैं कि करण जौहर ने उन पर इतना ज्यादा ट्रस्ट किया है। तो दोस्तों, आपको ये सब जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मजीद ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।